बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिर से संदेश खाली का मामला उठा रहे हैं। क्या जेपी नड्डा जानते हैं कि संदेश खाली में जितने भी आरोपी हैं, जितने भी अक्यूज हैं, सारे गिरफ्तार हैं, अरेस्ट हैं, जेल में हैं? क्या जेपी नड्डा को मालूम है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक उन दो राज्यों जहां क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है हरियाणा और राजस्थान, जहां बीजेपी सत्ता में है? जब हाथरस में भयंकर घटना घटी तब बीजेपी ने क्या एक्शन लिया? बीजेपी के स्टार नेता बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर गंभीर आरोप हैं, महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाया है, उनको क्यों अभी तक बीजेपी प्रोटेक्ट कर रही है? क्यों प्रोटेक्ट कर रही है बीजेपी? बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेती बीजेपी? क्या इस चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह को टिकट फिर से देंगे? बताइए जेपी नड्डा, क्या जेपी नड्डा को मालूम है कि बीजेपी के नेता जब महिलाओं के ऊपर असभ्य भाषा इस्तेमाल करते हैं, अश्लील भाषा इस्तेमाल करते हैं, जब महिलाओं के प्रति असभ्य व्यवहार करते हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं एक्शन लेती उन नेताओं के ऊपर? बताइए जरा जेपी नड्डा सर।